नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं P7 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज आसमान में सूर्य के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, और पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कईयों सालों के बाद। आपको बता दें, सूर्य के चारों तरफ प्रकाश का घेरा कब और क्यों बनता है? विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा वातावरण में मौजूद हेक्साग्लोनन क्रिस्टल के कारण होता है। दरअसल जब वातावरण में मौजूद पानी की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है तो उसके विकिरण के कारण यह घटना घटती है। कई बार इस गोले में इंद्रधनुष की तरह रंग भी दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से सूरज के चारों तरफ घेरा हुआ है, गोलाकार पूरा बना हुआ है। बेहद ही अद्भुत नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। ये आपको बता दें, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, लगभग हर जनपद में आसमान में इस तरीके का सूरज देखने को मिल रहा है। आज बेहद ही अद्भुत है। चांद के साथ भी ऐसा होता है। इसे हालो ऑफ मून कहा जाता है। कुछ लोग इसे मून रिंग भी कह रहे हैं। 20 फरवरी 2016 को भी चांद के साथ ऐसा हुआ था। 2015 में 20 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ था। हालो किसे कहते हैं आपको बता दें, जब किसी प्रकाशमय या एनर्जी से लबरेज चीज़ के चारों तरफ गोलाकार आकृति बन जाए तो उसे हालो कहते हैं। अध्यात्म में इसका जिक्र है भी है। आपने कई भगवान की तस्वीरों में देखा होगा कि उनके सिर के पीछे एक चमत्कार गोला आकृति दिखाई देती है, उसे भी हालो ही कहा जाता है। आज यह नज़ारा संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ विदेशों में भी इस तरीके का देखने को मिल रहा है। बने रहिए P7 भारत पर ताज़ा अपडेट देने के लिए। हम आपसे जल्द